नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर सिद्धार्थ यादव है। मैं ऑर्थोपेडिक एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन हूँ अपोलो हॉस्पिटल नवी मुंबई में। आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो है कि फ्रैक्चर हीलिंग के लिए क्या क्या चीज़ें अच्छी होती हैं और फ्रैक्चर हीलिंग के लिए क्या नई टेक्निक है और क्या क्या नए डेवलपमेंट हैं। तो नंबर वन, जो फ्रैक्चर हीलिंग है, जो बोन जुड़ता है, वो एक नेचुरल प्रोसेस है। बोन जुड़ना एक नेचुरल प्रोसेस है। हम लोग बोन जल्दी कैसे जुड़े उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे कि कैल्शियम रिच डाइट, विटामिन डी डाइट, विटामिन एंड ऑल्सो प्रोटीन डाइट। और जो कैल्शियम जो बोन हीलिंग के लिए जो कि नॉट सो गुड, नंबर वन इज स्मोकिंग। जो भी स्मोकर रहते हैं उनकी बोन हीलिंग बहुत स्लो होती है। दूसरा, जिनको दूसरी कुछ बीमारियां हैं, डायबिटीज, थायरॉयड, उनका भी बोन यूनियन स्लो होता है, या कि किडनी की प्रॉब्लम है, लीवर की प्रॉब्लम है। एक्सेसिव अल्कोहल से भी बोन यूनियन, बोन जो हीलिंग है वो स्लो होती है। अच्छा, दूसरा सवाल है कि क्या हर फ्रैक्चर के लिए ऑपरेशन जरूरी है? नहीं, हर फ्रैक्चर के लिए ऑपरेशन जरूरी नहीं है। जब हम ऑपरेशन करते हैं तो वो दो तीन चीज़ों के लिए करते हैं। एक तो बोन को नज़दीक लाने के लिए, जब बोन एक दूसरे के पास रहेगा तो हीलिंग, बोन एक दूसरे से जल्दी जुड़ेगा। दूसरा, जब बोन टेढ़ा है, एंगुलेशन है, जैसे पैर की हड्डी है, तो उसको स्ट्रेट करना है तो उसके लिए ऑपरेशन करना पड़ेगा, नहीं तो लेग या हाथ टेढ़ा रहेगा। और नंबर थ्री, इन केस जॉइंट इन्वॉल्व है, जो भी, क्योंकि जॉइंट में बहुत ही फ्रैक्चर यूनियन बहुत परफेक्ट होना चाहिए, तभी आपका जॉइंट का मूवमेंट आएगा, एल्बो का या शोल्डर का। तो जॉइंट जॉइंट जब इन्वॉल्व रहता है, फ्रैक्चर्स जॉइंट के अंदर जाता है, उसमें भी ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है। अभी जो ऑपरेशन की टेक्निक है, वो टेक्निक इस तरह की होनी चाहिए कि जो बोन का ब्लड सप्लाई है, जो बोन के सराउंडिंग टिश्यू है, क्योंकि जब बोन को ब्लड सप्लाई अच्छे से जाएगा तो फ्रैक्चर हीलिंग फास्ट होता है। तो जो भी न्यूअर टेक्निक है हमारी, मिनिमल इन्वेजिव टेक्निक या टिश्यू प्रिजर्विंग टेक्निक, वो लोग हम आजकल यूज करते हैं जिससे कि फ्रैक्चर हीलिंग जल्दी हो। और दूसरा ये है कि कभी कभी फ्रैक्चर जब होता है तो उसमें बोन लॉस होता है, या तो बोन के पीसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं जो कि हम जोड़ नहीं सकते, या फिर बोन में गैप आ जाता है बिकॉज ऑफ बोन लॉस। तो उसमें पहले हम लोग पेशेंट की जो वेस्ट बोन है, पेल्विक बोन है, उसका पीस निकाल के और जो गैप था उसमें लगाते थे। अभी हम लोग उससे लगाने से, जहाँ से बोन निकालते हैं वो काफ़ी पेनफुल होता है। तो अभी जो न्यू टेक्निक है, हम लोग आर्टिफिशियल बोन यूज करते हैं, उसको बोलते हैं कैल्शियम ट्राइसाइट। उसके अलग अलग पीसेज आते हैं और उसमें बोन मैरो कंसनट्रेट मिक्स करते हैं। बोन मैरो कंसनट्रेट मीन्स आपके इंजेक्शन से जो आपकी वेस्ट बोन है, पेल्विस, वहां से हम लोग उसका बोन मैरो का लिक्विड निकालते हैं और उसको कंसनट्रेट करते हैं मशीन से। उसको आर्टिफिशियल बोन के साथ मिक्स करके जो भी बोन का गैप है उसमें लगाते हैं। उससे फ्रैक्चर हीलिंग भी फास्ट होती है। और जो हम लोग बोलते हैं कि बोन ग्राफ्ट साइट मॉर्बिडिटी, जो बोन ग्राफ्ट जहाँ से लेते हैं उसकी जो भी तकलीफें, दर्द है, वो कम होता है। तो ये शॉर्ट में फ्रैक्चर हीलिंग के बारे में मैंने आपको बताया। थैंक यू।